दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार एन के बारे में दोस्तों आज के समय में किसी भी सरकारी योजना का स्कीम का लाभ या पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आधार एन का लिंक होना बहुत जरूरी है अगर आधार एन लिंक नहीं होगा तो किसी भी सरकारी स्कीम या योजना का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि सरकार जब भी पैसा भेजती है तो वह हम लोगों के आधार नंबर के जरिए भेजती है ना कि अकाउंट नंबर के जरिए तो ऐसे में अगर आपका आधार या पी लिंक नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो कैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार या पी को लिंक करना है और कैसे आपको स्टेटस चेक करना है कि हमारे बैंक अकाउंट में आधार या पी लिंक है या नहीं मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों मैंने आपको क्या करना है आपको सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में आधार या एन लिंक है या नहीं है उसके लिए सबसे पहले आपको यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से सीधे इस पोर्टल पर आ जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आधार सर्विस आपको देखने के लिए मिल जाता है तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है जैसे ही आप स्कोर कर करके नीचे आएंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार लिंकिंग स्टेटस सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस इस इसी पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है चेक योर आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस ए एन पी सी आई मै पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है आप यहाँ से देख सकते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है आप देख सकते हैं इसमें आपको अपना आधार नंबर को फिल कर देना है उसके बाद आपको ये कैप्चा इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपको सेंड ओ पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओ भेज दिया गया है तो आपको इसमें ओ फिल कर देना है ओ फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है चेक आधार बैंकिंग लिंक स्टेटस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है वात 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 कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड का आपको लास्ट का फोर डिजिट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक लिंकिंग स्टेटस यहाँ पर आपको एक्टिव देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आपका आधार एन लिंक हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैंक देखने के लिए मिल जाता है कि आपका जो बैंक है जो आपके आधार एन पी से लिंक है वो कौन सा बैंक है और अगर आपका यहाँ पर बैंक नेम नहीं दिखाता है या आपका बैंक यहाँ पर लिंक नहीं दिखाता है या आपका रिजेक्ट नहीं दिखाता है कुछ भी आपको दिखाता है तो आपको कैसे ऑनलाइन लिंक करना है घर बैठे मैं वो आपको बताने वाला हूँ तो आपको क्या करना है सिंपली आपको ब्राउजर को अपने ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर ब्राउजर में टाइप करना है अगर आपका इंडियन बैंक में है सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इंडियन बैंक ए एन लिंक उसके बाद आपको सर्च कर देना है यहाँ पर अभी सभी बैंकों में आधार ए एन ऑनलाइन लिंक नहीं हो रहा है यहाँ पर किसी किसी बैंकों पर यहाँ पर चार पांच बैंकों में आधार ए एन लिंक हो रहा है तो अगर आपका इसमें अकाउंट है तो आप यहाँ से बिल्कुल ईजिली आप लिंक कर पाएंगे तो सिंपली आपको यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है ऑनलाइन आधार सीडिंग इंडियन बैंक तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर अगला इंटरफेस ओपन हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सीडिंग यहाँ पर आपको वेरीफाइड अकाउंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो सिंपली आपको इसमें अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपको ये कैप्चा इसमें फिल कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक हुआ उस पर ओ जाएगा तो उसके बाद आपको ओ टी पी डाल सबमिट करना है तो उसके बाद आपको वहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा तो आपको उसमें आधार नंबर डाल देना है उसके बाद फिर से आपको सबमिट करना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर से आपके जो आधार नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओ जाएगा और ओ डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आधार ए एन लिंक हो जाएगा आप बिल्कुल ईजिली आप आधार एन को लिंक कर पाएंगे ये तो हो गया इंडियन बैंक का अगर आपका जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौड़ा में है तो आपको फिर से आपको यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर टाइप कर देना है बैंक ऑफ बड़ौड़ा एन लिंक उसके बाद आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस बैंक ऑफ बड़ौड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक अटेंशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो सिंपली आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौड़ा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है के वाई अपडेट यानी यहाँ से आप आधार एन को लिंक कर पाएंगे तो आपको क्या करना है आपको इसमें बैंक अकाउंट नंबर आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओ पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप जनरेट ओ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ओ आएगा आपको ओ टी पी डाल सबमिट पर क्लिक कर देना है उसके बाद फिर से आपको वहाँ पर आधार नंबर फिल कर देना है आधार नंबर फिल करने के बाद आपको फिर से वहाँ से जो आपके आधार नंबर मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओ जाएगा तो आपको वो ओ फिल के आपको सबमिट कर देना है जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपका वहाँ से जो के वेरिफिकेशन सी वहाँ से अपडेट हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आधार एन लिंक हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौड़ा का भी ऑनलाइन शुरू हो गया है आप बिल्कुल ऑनलाइन आप बिजली घर बैठे आप आधार एन को लिंक कर पाएंगे इसके बाद अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप उसको भी ऑनलाइन ही आधार ए एन को लिंक कर पाएंगे तो सिंपली आपको क्या करना है आपको सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करना है पंजाब नेशनल बैंक उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती है तो आपको सर्विसेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ टी आधार सीडिंग तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हेयर फार ओ टी आधार सीडिंग सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस ओपन हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में आधार एन पी को लिंक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो अपना अकाउंट नंबर है वो आपको फिल कर देना है उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ आएगा तो आपको ओ फिल करके उनके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है, तीन स्टेप में आप जैसे ही ओ डालकर आप यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर जो आपका आधार नंबर है आधार नंबर आपको फिल कर देना है आधार नंबर फिल करने के बाद फिर से आपको जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर ओ जाएगा तो आपको ओ को फिर से आपको फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आधार एन पी लिंक हो जाएगा ये तीन बैंकों में इस समय आधार ए एन ऑनलाइन ही लिंक हो रहा है उसके बाद इन तीनों बैंक के अलावा जैसे आपका एस हो गया यूनियन बैंक हो गया एच डी हो गया अगर आपको किसी भी बैंक में एन को लिंक करना है तो उसको आप कैसे कर पाएंगे उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर गूगल में टाइप करना है एन लिंक फॉर्म उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा आधार सीटिंग प्रोसेस पीडीएफ डी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है तो आप देख सकते हैं जैसे आप स्क्रोल करके यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेना है प्रिंट आउट करने के बाद ये फॉर्म आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है जैसे इसमें आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपको फ़िलअप करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट फिलअप कर देना है यहाँ पर आपको ब्रांच का नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है पूरी डिटेल आपको इसमें से अच्छे से फिलअप कर लेना है उसके बाद आपको आधार का जो झेलोस कराकर आपको इसके साथ अटैच कर लेना है उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट पर लेकर चले जाना है तो आपको वहाँ पर बैंक पर ले जाने के बाद आपको वहाँ पर फॉर्म को जमा कर देना है तो आपको वहाँ से कुछ दिन का वेट करना है आपको वहाँ से आधार एन लिंक हो जाएगा और ऐसे में दोस्तों अगर आपका किसी किसी बैंक में ऑनलाइन हो रहा है किसी किसी बैंक में ऑफलाइन हो रहा है तो आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि कि आधार एन हमारे बैंक में जो जिस बैंक में हमारा खाता है वहाँ पर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है उसके बाद आपको बिल्कुल ईजली आप इसी तरह से आधार एन को लिंक कर पाएंगे तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि ऐसे ही जेनवन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय